हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेड। आज हम लोग कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 7। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको हेल्प करेंगे। फिर वो नेट, JRF, TGT, PGT, LT, GIC, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। और ये कुछ बेसिक कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन हैं, बट थोड़ी सी हार्ड टफ लैंग्वेज के साथ, जो जिनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। इसके पहले 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉटन इज, जो कॉटन है उस, जो कॉटन का फाइबर है, या हम बात करें जो कॉटन का रेसा है, उसका क्रॉस सेक्शन कटिंग, उसको जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो कैसा दिखता है। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये हमारा फाइबर है, इसको हमने ऐसे काट दिया, यहाँ पे हम इसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो ये कैसा दिखता है। तो जो कॉटन का जो क्रॉस सेक्शन शेप है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं बीन शेप। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज ड्राई स्ट्रेंथ। अगर हम कॉटन, जो हमारा कॉटन का कपड़ा है, कॉटन की बात करें तो जो गीला कॉटन है या जो सूखा कॉटन है, दोनों में ज्यादा मजबूत कौन सा होता है। तो जब हम कॉटन की बात करते हैं तो जो हमारा वेट कॉटन है, जो गीला कॉटन है, वो ज्यादा मजबूत होता है ड्राई कॉटन की तुलना में। तो वेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज हायर देन इट्स ड्राई स्ट्रेंथ। यही सेम इसका उल्टा होता है रेयॉन के साथ। रेयॉन जो है ये ड्राई स्टेट में स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जब ये रेयॉन वेट होता है तो ये कमजोर हो जाता है। बट जो कॉटन है, कॉटन जब वेट होता है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जब ड्राई होता है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वायर इज अ फाइबर। जो क्वायर है वो कौन सा फाइबर है। ऑप्शन है हमारे बास्ट, लीफ, प्रोटीन या सीड। तो जो क्वायर है, क्वायर हमारा होता है सीड फाइबर, जो सीड से जो मिलता है रेसा, उसको हम बोलते हैं क्वायर फाइबर। बास्ट क्या है, जो हमें स्टेम से या तने से जो फाइबर मिलता है उसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। जो पत्तियों से मिलता है उसको हम बोलते हैं लीफ फाइबर। और जो प्रोटीन से बना हुआ फाइबर है उसको हम बोलेंगे प्रोटीन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ कॉटन इज, कॉटन की बेसिक यूनिट क्या है। ऑप्शंस क्या है, एमाइड, एमिनो एसिड, सेलुलोज या मिनरल। तो मिनरल हमारा अलग ही फाइबर है, नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है उसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है उसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे पूछा गया है बेसिक यूनिट ऑफ कॉटन, तो कॉटन की जो बेसिक यूनिट है वो है सेलुलोज, और वूल हो गया, सिल्क हो गया, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है प्रोटीन। कॉटन है, लिनन है, इनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेलुलोज। और आपको मिनरल फाइबर, नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है उसका नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैच्योर्ड कॉटन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कोलैप्स्ड। अभी हमने पढ़ा था कॉटन का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन से कुछ ऐसा दिखता है। जब ये कॉटन, जो कॉटन है, ये कॉटन का फाइबर, जब ये मैच्योर हो जाता है तब इसका क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन शेप है, इसमें से कौन सी चीज डिसअपीयर हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, जो मैच्योर कॉटन में नहीं दिखती है। ऐसे अगर नॉर्मल कॉटन देखे तो उसमें ये ऐसा एक शेप दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसके अंदर एक लिक्विड जैसा भरा रहता है, जैसे जैसे कॉटन मैच्योर करता है इसके अंदर जो लिक्विड है वो सूख जाता है। जब ये सूखता है, किसी भी चीज के अंदर जब पानी सूखता है तो वो सिकुड़ती है, तब ये जो ल्यूमेन है ये सिकुड़ जाती है। तो ल्यूमेन का जो स्ट्रक्चर है मैच्योर कॉटन में कोलैप्स कर जाता है या खराब हो जाता है, दिखता नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये हो जाएगा ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लैक्स सोस नोड विच रिजेंबल। जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो फ्लैक्स है ऐसे होता है, और हमको फ्लैक्स कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है।
और स्टेम में क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसे नोड्स बने होते हैं। तो जो फ्लैग्स में जो नोड्स हैं वो किसके जैसे दिखते हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस क्या हैं, बैम्बू स्टाल, कॉर्न स्टाल, राइस स्टाल या वीट स्टाल। तो जो हमारा फ्लैक्स है, इसका जो स्टेम है या तना है, ये जो हमें फ्लैक्स मिला है, ये बिल्कुल बैम्बू के जैसा दिखता है। और आप बैम्बू भी देखो, उसमें क्या ऐसे बैम्बू है, इसमें ऐसे बीच में नोड्स लगे रहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, बैम्बू स्टाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबाका लीफ फाइबर बिलोंग्स टू विच फैमिली? अबाका जो है ये लीफ फाइबर है जो कि पत्ती से प्राप्त किया जाता है, पत्ती से बनाया जाता है। ये किस फैमिली से है, फैमिली का मतलब है कौन से प्लांट से पाया जाता है। तो जो अबाका है ये बनाना से पाया जाता है, बनाना की पत्ती से जो फाइबर निकाला जाता है या फाइबर निकलता है उसको हम कहते हैं अबाका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट सिंथेटिक डाई वॉज डिस्कवर्ड बाई? ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। द फर्स्ट सिंथेटिक डाई वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो जो फर्स्ट सिंथेटिक डाई है उसको डिस्कवर किया था विलियम हेनरी पार्किन ने। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी, विलियम हेनरी पार्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, फिनिशिंग इज इसेंशियली एन आयरनिंग प्रोसेस। एक फिनिशिंग जो आयरनिंग का काम करती है, उस फिनिशिंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं, कैलेंडरिंग, स्काउरिंग, साइजिंग या साइजिंग। फिनिशिंग प्रोसेस है जो प्रेस के जैसा ही काम करती है, जैसे हम कपड़े पे प्रेस करते हैं तो कपड़ा चिकना दिखने लगता है, उसमें साइनिंग आ जाती है, सेम वही काम करती है। इनमें से हमारे पास फिनिशिंग के ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सी फिनिशिंग है जो आयरनिंग प्रोसेस का काम करती है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग मीन्स लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें लार्ज स्केल पे आयरनिंग प्रोसेस जो की जाती है वो कैलेंडरिंग के थ्रू की जाती है। तो जो हमारी कैलेंडरिंग फिनिशिंग है इसका काम भी होता है आयरनिंग करना। तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनाइजिंग फिनिश इज यूज्ड ऑन, जो कार्बोनाइजिंग फिनिश है ये किस में यूज की जाती है? तो कार्बोनाइजिंग में होता क्या है, पहले तो ये कॉटन, नायलॉन, सिल्क या वूल किस में प्रयोग में की जाती है कार्बोनाइजिंग फिनिश? तो जो कार्बोनाइजिंग फिनिश है ये वूल के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें होता क्या है, वूल कहाँ से मिलता, वूल के फाइबर कहाँ से मिलते हैं, सीप से या भेड़ से। जब भेड़ के बाल निकाले जाते हैं तो वो गंदे होते हैं, उनमें कुछ वेजिटेटिव प्रोडक्ट है, धूल है, मिट्टी है, कंकड़ है। तो इन सबको साफ करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजिंग। जो भेड़ से जो उसके हेयर्स इकट्ठा किए गए, जो उसके बाल इकट्ठा किए गए, उन बालों को साफ करने में क्या, जिसमें जो में कुछ टूटी फूटी लकड़ियां लगी हैं, धूल मिट्टी लगी है, कंकड़ पत्थर लगा है, इन सबको जो साफ करने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजिंग। तो कार्बोनाइजिंग जो है वो वूल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैकेनिकल फिनिश, इनमें से कौन सी जो फिनिश दी हुई है एक मैकेनिकल फिनिश है? तो ऑप्शंस क्या है, एंटी स्टैटिक, मर्सराइजेशन या टेंटरिंग। तो एंटी स्टैटिक और मर्सराइजेशन जो है ये केमिकल फिनिश है, मीन्स इनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बचा क्या, टेंटरिंग। तो जो टेंटरिंग है ये हमारी मैकेनिकल फिनिश है, मैकेनिकल मीन्स इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और टेंटरिंग में होता क्या है, जो वस्त्र है वस्त्र को उसके आकार में रखना या उसमें जो हमने ये थ्रेड्स लगे हैं इनको सीधा रखना, सीधा करना, ये काम है टेंटरिंग का। वस्त्र को उसका जो आकार है उस आकार में रखना, रखने के लिए जो हम प्रोसेसिंग जो प्रेस प्रोसेस यूज करते हैं, जो फिनिशिंग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टेंटरिंग। और टेंटरिंग जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिपरेटरी फिनिश, इनमें से कौन सी प्रिपरेटरी फिनिश नहीं है? प्रिपरेटरी फिनिश का मतलब जो हमारा फाइबर है, फाइबर से थ्रेड, या हम बोल सकते हैं जो फाइबर है फाइबर से हमारा थ्रेड बना रहे हैं, फाइबर से थ्रेड बनाने की जो प्रोसेस है, फाइबर से थ्रेड बनाने तक की प्रोसेस जो बीच में पड़ता है, फाइबर को कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, इन सब चीजों को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फिनिश।
तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, ब्लीचिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग या टेंटरिंग। तो हमारा जो ब्लीचिंग है, डिसाइजिंग है, स्काउरिंग है, ये हमारी तीनों प्रिपरेटरी फिनिश है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी हमारी प्रिपरेटरी फिनिश नहीं है। तो जो टेंटरिंग है ये हमारी प्रिपरेटरी फिनिश नहीं है। ये हमारा फिनिश का मतलब क्या है, जो लास्ट में प्रयोग किया जाए। तो प्रिपरेटरी फिनिश जो है हमारा ये टेंटरिंग नहीं है। बाकी ब्लीच करना, डिसाइज करना, स्काउरिंग करना, ये सारी प्रिपरेटरी फिनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाई इज कंपोज्ड ऑफ, जो डाई हम लोग कपड़ों पे रंग लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये डाई किससे बना होता है। ऑप्शंस क्या है, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम एंड पिगमेंट्स, क्रोमोफोर एंड इंक, पिगमेंट एंड इंक। तो पिगमेंट हो गया, इंक हो गया, ये कोई भी प्रकार की डाई नहीं है। तो यहाँ से आपको ऐसा ही आंसर मिल जाएगा, जिसमें जिसमें पिगमेंट है और इंक है, ये आपका आंसर सही नहीं होगा। तो हमारा बी ऑफ बी भी सही नहीं है, सी ऑप्शन भी सही नहीं है, और डी ऑप्शन भी नहीं सही है। बचा कौन सा, ए ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर जो है ये हमारे डाई के कंपोजिशन है। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर का मिलके डाई बनता है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। ऑक्सो का मतलब क्या होता है, जो कलर से पहले हम लोग ट्रीटमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, या कलर को ट्रीट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सो। तो जो डाई है वो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर से मिलके बना होता है। तो डाई का जो कंपोजिशन है उसमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर होता है। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ रसिस्ट प्रिंटिंग। रसिस्ट प्रिंटिंग, रसिस्ट मतलब किसी चीज को, जैसे ये कपड़ा है हमारा, इस पे हमें कलर करना है, हमें तो जहां जहां पे हमने रसिस्ट प्रोसेस लगा के रखी है वहां पे कलर नहीं जाएगा। तो कौन सी प्रिंटिंग है जो रसिस्ट प्रिंटिंग है, जो कपड़े में जहां पे हमने उसको कपड़े को टाइट करके रखा है या जहां पे हमने उसको कवर करके रखा है वहां पे कलर नहीं जाएगा। तो ऐसी कौन सी प्रिंटिंग है जो कलर को जाने से रसिस्ट करती है। ऑप्शंस क्या है, बाटिक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग या जेट प्रिंटिंग। तो जो यहाँ पे हमारा दे रखा है बाटिक प्रिंटिंग, तो बाटिक प्रिंटिंग जो है ये हमारी रसिस्ट प्रिंटिंग है। बाटिक में क्या करते हैं, हमारा जो भी क्लॉथ का एक पीस है उस पे हम क्या करते हैं, जहां जहां पे हमें कलर नहीं चाहिए वहां पे हम पूरे में वैक्स अप्लाई कर देते हैं। मेल्टेड वैक्स हमने अप्लाई कर दिया, जैसे हमको सिर्फ ये एक फ्लावर पे कलर चाहिए, इतना फ्लावर की जगह छोड़ के बाकी पूरे में हमने ऐसे क्या किया, वैक्स अप्लाई कर दिया। अब जब हम इसको कलर में डिप करेंगे तो सिर्फ जहां पे हमारा वैक्स नहीं लगा है सिर्फ वहीं पे कलर आएगा, जहां जहां पे वैक्स लगा है वहां पे कलर नहीं आएगा। तो उसको हम कहते हैं रसिस्ट प्रिंटिंग। तो जो हमारा बाटिक प्रिंटिंग है ये रसिस्ट प्रिंटिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड डाइज हैव गुड एफिनिटी फॉर, मतलब एसिड डाइज कौन से टाइप के फाइबर में अच्छा कलर देती हैं। ऑप्शंस क्या है, कॉटन, पॉलिएस्टर, रेयन या वूल। जो चीज, जो फाइबर हमारा एसिड से बना है, जिसमें एसिड कंपोनेंट ज्यादा है उस पे एसिड सूट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, एसिड और बेस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब एसिड और एसिड मिलेगा, एसिड प्लस एसिड, एसिड हमारे डाई है और जो हमारा फाइबर का नेचर है वो भी एसिड है, इससे क्या आएगा, इनका कलर इम्प्रूव, अच्छा कलर चढ़ेगा। तो जो एसिड डाइज हैं वो वूल, ऊन के लिए उनकी एफिनिटी अच्छी होती है। ऊन पे अगर वूल पे कलर करना है या ऊन पे कलर करना है तो उसके लिए हमें एसिड डाइज का प्रयोग करना चाहिए। एसिड डाइज जो है वो ऊन में अच्छा कलर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंटिंग इज यूजुअली डन ऑन डार्क बैकग्राउंड्स। कोई कपड़ा है उसका बैकग्राउंड क्या है, डार्क है, उसके ऊपर हमें प्रिंटिंग करनी है, तो कैसे करेंगे। ऑप्शंस क्या है, ब्लॉक, स्क्रीन, डिस्चार्ज या रसिस्ट। तो जो डार्क बैकग्राउंड वाले कपड़े होते हैं उनपे जो प्रिंटिंग की जाती है वो डिस्चार्ज प्रिंटिंग की जाती है। ये क्या होता है, ये भी ब्लॉक के जैसा, हमारे पास कुछ ऐसे आइटम होता है ब्लॉक के जैसे जिसके ऊपर हमारा डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन पे हम एक केमिकल लगा देते हैं। वो केमिकल क्या करता है, जब भी हम ब्लॉक को कपड़े पे लगाएंगे तो जहां पे ये केमिकल लगा है वो केमिकल कपड़े का उतना कलर हटा देगा, उसको ब्लीच कर देगा या वहां पे कलर हल्का कर देगा, जिसकी वजह से डार्क बैकग्राउंड पे हल्के कलर से डिजाइन बन जाएगी। इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। जितने भी डार्क बैकग्राउंड के कपड़े होते हैं उन पे जो प्रिंटिंग की जाती है वो डिस्चार्ज प्रिंटिंग की जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन था आपके लिए, मिनरल, नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है
इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है, इसका नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए और क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक करके जाइए, कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।